समाज को गाली देने वाली बात है एक तरह की, पर उसने एक बात तो कह दी कि जो लोग इनकी विचारधारा को नहीं मानते वो सारी एक है वो, मतलब उसने चमार शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब जितने दलित हैं सारे एक हैं, इसलिए तुम लोग जातियों को छोड़ो और समाज को जोड़ो, तो ये संदेश उनकी तरफ से मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी राम को नहीं मानता वो सब चमार है। हाँ, वो मतलब जितने भी लोग जो बहुजन विचारधारा वाले लोग हैं वो एक समाज है, उसका कहना मतलब ये है। चमार जाति को लेकर के टिप्पणी की, अभी हाल ही में बाबा रामदेव जो योग गुरु हैं उन्होंने भी ओबीसी समाज को भला बुरा कहा है। मंत्री जी, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ और ये सब अपनी ऐसी तैसी में जाएं ओबीसी समाज के लोगों, जबकि वो खुद यादव समाज से आते हैं। नहीं नहीं, क्या ये ब्राह्मण लोग उसको ब्राह्मण मानते हैं? उसके मानने से क्या हो रहा है? अगर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी ये कहने लगे मैं ब्राह्मण हूँ तो उसके मानने से क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उसे तो खुद पे ही शर्मिंदा हो रहा है, वो अपने पूरे उस समाज को ही गाली दे रहा है, वो तो पूरे समाज को गाली दे रहा है। और वो आदमी कोई आदमी नहीं है, वो आदमी ऐसा है जिसने पिछले चुनाव में 2014 में लोगों को मूर्ख बनाया। उसने कहा कि आपको 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, और लोगों ने ऐसे लोगों को बात पर भरोसा करके वोट भी दिया, और अब वही आदमी जब उससे पूछते तो कहते हैं मैंने ठेका ले रखा है कोई। उसकी बदतमीजी देखिए, वो कहता है कि भाई मेरी पूछ पाड़ लो पहले, तो कहता है कि उनको चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है, सरकार चलाने के लिए। तो क्या पिछली सरकारों को टैक्स की जरूरत नहीं? पता नहीं, पता था उसको। वो बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, ये कोई साधु वाधु नहीं है। पहले तो इनका साधु का चोगा उतारना पड़ेगा। ये लोग बदतमीज लोग हैं, इनको बोलने की तमीज नहीं है, आदमी की इज्जत नहीं करते, ये समाज पूरे समाज को ये लोग बदनाम करते हैं, बेइज्जत करते हैं। ऐसे लोगों के कपड़े फाड़ने पड़ेंगे, ऐसे लोगों के कपड़ों को इन चौकों को उतारना पड़ेगा। रामभद्राचार्य की एक बात तो क्लियर है, लेकिन जो उसने कहा है गाली समाज को गाली देने वाली बात है एक तरह की, पर उसने एक बात तो कह दी कि जो लोग इनकी विचारधारा को नहीं मानते वो सारी एक है वो, मतलब उसने चमार शब्द इस्तेमाल किया, इसका मतलब जितने दलित हैं सारे एक हैं, इसलिए तुम लोग जातियों को छोड़ो और समाज को जोड़ो, तो ये संदेश उनकी तरफ से मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि जो भी राम को नहीं मानता वो सब चमार है। हाँ, वो मतलब जितने भी लोग जो बहुजन विचारधारा वाले लोग हैं वो एक समाज है, उसका कहना मतलब ये है। तो मैं तो उसे पॉजिटिव लेता हूँ, हम लोग गलत है जो अलग अलग जाति बना के घूम रहे हैं। अरे जाति तो हमारे उत्पीड़न का कारण है, कहीं भी मैं देखता हूँ किस वजह से परेशान हो, क्या हुआ आपके साथ, लोग कहते हैं हमारा उत्पीड़न हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, जाति की वजह से। तो फिर जाति अगर उत्पीड़न का कारण है तो जाति को त्याग क्यों नहीं देते, जाति को छोड़ क्यों नहीं देते? और अब तो उसने बता दिया कि ये सारा एक ही समाज है, यानी कि ये सब एक ही जाति है, इसलिए दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए क्लियर संदेश है रामभद्राचार्य जी की तरफ से कि भाई तुम लोग जाति में जब तक बटे रहोगे तब तक पिटते रहोगे, तुम्हारी हकमारी होती रहेगी, तुम सब लोग अवर्ण लोग हो, जो चारों वर्णों से बाहर के लोग हो, तुम सब लोग एक हो जाओ। आप कह रहे हो कि एक हो जाओ, आप जैसे लोग भी एक्टिविस्ट समझा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लोगों का अवेयर कर रहे हैं, और उधर से भी जूते लग रहे हैं, फिर भी क्या कारण है कि ना तो आपकी बात मान रहे हैं ना जूते खाने के बाद लोग सुधर रहे हैं, फिर भी वहीं जा रहे हैं, फिर भी उसी लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं? नहीं, अब तो बहुत तेजी से पूरे देश में लोग आ रहे हैं, इस बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। इसमें जो बाधा बनी हुई है वो ईवीएम बनी हुई है, और ईवीएम के ऊपर हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन हमारे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजेस हैं थे, जस्टिस वी सुब्रैया जी थे, जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी थे, और जस्टिस कुलस्ते पाटिल जी भी थे, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी थे, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वकील हमारे प्राचा जी, भानु प्रताप सिंह जी हम भी थे, डीसी कपिल जी थे, प्रोफेसर रतन लाल जी थे, प्रोफेसर मंडल जी थे, और इसके साथ साथ लोकेंद्र गुर्जर थे, राजेश गुप्ता जी थे झारखंड से, सानी जी थे बिहार से, पूरे देश से बहुत तेज़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये ईवीएम हटाओ आंदोलन, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे के द्वारा जो चलाया गया, इसमें सारे संगठन पूरे देश से जुड़ते जा रहे हैं। जो मिस कॉल नंबर हमने जारी किया उस पर भी मिस कॉल इतनी ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि लगातार वो बिजी आ रहा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, वोट मिल नहीं रहा, बिजी आ रहा है। तो इसका मतलब ये सच है कि पूरे देश के लोग इस ईवीएम की वजह से जो सरकार बनी है उससे बहुत उत्पीड़ित हैं और उसको हराना चाहते हैं। इसलिए हमने ये समझ लिया है कि ईवीएम जब तक हटेगी नहीं तब तक उनकी जीत होती रहेगी, इसलिए ईवीएम को हटाने का आंदोलन तेज कर दिया गया। इसी 28 जनवरी को अंबेडकर भवन पे 2 बजे हमने सारे संगठनों की एक संयुक्त बड़ी बैठक रखी है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जिसमें सारे संगठनों को जोड़कर ईवीएम हटाने का राष्ट्रव्यापी एक बड़ा आंदोलन तेज कर दिया गया है। अभी आने वाले 16 तारीख को परसों हम लोग पार्लियामेंट सोरा पटियाला हाउस कोर्ट से गेट नंबर 4 से शाम को 4 बजे
इकट्ठे होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश एंड कंपनी जजिस से मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे कि देश के को बचाने की, देश के प्रजातंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, चूँकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के लोकतंत्र को बचाएं। तो उसके लिए हम देश के सर्वोच्च न्यायाधीश से मिल के उनको ज्ञापन देंगे, चूँकि जो व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी कि 3 सदस्य कमेटी इलेक्शन कमीशन का गठन करेगी, उसमें एक देश के प्रधानमंत्री जी होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लेकिन वो बात बीजेपी की सरकार को मंजूर नहीं है। उन्होंने संसद में एक बिल लाकर उस व्यवस्था को बदल दिया, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी उसको बदल दिया, और उन्होंने कर दिया कि 2 लोग तो केंद्र सरकार के होंगे, एक देश के प्रधानमंत्री, एक लॉ मिनिस्टर, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यानी कि इलेक्शन कमीशन को चुनने की के लिए 2 लोग बहुमत में हो गए बीजेपी के, और वो जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। तो फिर इलेक्शन कमीशन से जो पारदर्शिता की उम्मीद कैसे करें, ईमानदार चुनाव, निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे करें। तो इसीलिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी से 16 तारीख को सारे वकील हजारों की मात्रा में हम लोग पटियाला हाउस से निकलेंगे और उनसे मिल के हम उनसे गुहार करेंगे कि आप कस्टोडियन हो भारत के संविधान के और लोकतंत्र के, तो आप जिम्मेदारी निभाइए, उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कीजिए, उस बिल को जो इन्होंने बिल पास किया संसद के द्वारा उसको आप निरस्त कीजिए और उस व्यवस्था को कायम कीजिए जो पहले थी। और दूसरा कि लोगों को, हर एक वोटर को ये भरोसा होना चाहिए कि वो जिसको वोट डाल रहा है उसी को उसकी वोट जा रही है, क्योंकि सबको ये डाउट हो गया है कि इस ईवीएम के द्वारा हमारी वोटों की चोरी हो रही है, जैसा अनेकों जगह देखने में आया कि जो खुद चुनाव लड़ रहा है और उसका परिवार वहाँ रहता है उस बूथ पर, उसको एक भी वोट नहीं मिला, क्या उसने खुद ने भी अपने आप को वोट नहीं दिया? तो इन बातों से ये संदेह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे एक और अभी पीछे चुनाव का एक निकल के आया डाटा कि जिस जगह पर 71 वोट थी वहाँ पर 150 से ज़्यादा वोट पड़ गई, तो वोट ही उस बूथ पर 71 थी तो 150 से ज़्यादा कैसे पड़ गई? और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने चुनाव के उन अधिकारियों को सस्पेंड किया, ये न्यूज़ मैं अभी देख रहा था, ये न्यूज़ 24 पर ये न्यूज़ पड़ी हुई है। तो फिर इस तरह की जो चोरी वोटों की हो रही है, मतलब वोट देने वाले वोटर को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा कि जिस प्रत्याशी को वो वोट डाल रहा है उसकी वोट सही जगह जा रही है, तो इसलिए यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है कि वो वोटर का भरोसा कायम करे। लेकिन निर्वाचन आयोग जिस तरह जिद पैड़ा ईवीएम से चुनाव कराने पर, और वो कह रहा है हमें ईवीएम पे भरोसा है, अरे वोटर को भरोसा नहीं है भाई, पूरे देश के उन विकसित देशों ने जिन्होंने ये वो ईवीएम बनाई है उनको खुद को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, वो सब लोग मत के द्वारा, बैलेट पेपर के द्वारा वोट करा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं। तो फिर भारत को के निर्वाचन आयोग इस जीत पे क्यों अड़े कि वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे? तो हमने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया है और पूरे देश के लोगों से आह्वान किया, आप सब लोग इस आंदोलन से जुड़िए, हमारे लिए मत जुड़िए, हमें नेता बनाने के लिए मत जुड़िए, बल्कि आपका वोट जिसको आप देना चाहते हैं वो आपका भरोसा कायम हो जाए उसके लिए जुड़िए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ। तो मंत्री जी ने, हालांकि हमने बात तो शुरू की थी साधु संतों की टिप्पणी से, और मंत्री जी उसको ईवीएम पर ले आए, और ईवीएम पर नहीं, उसके साधु संत भी, साधु संत, वो साधु संत भी ईवीएम वाले व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, और वो सब उनके पार्ट एंड पार्सल है वो बीजेपी के, तो उनको एक ही मानिए, उन सब पे इकट्ठा हमला करना पड़ेगा, इकट्ठा हमला करने का, ईवीएम से चुनी हुई सरकार बदलेगी तो इस प्रकार की टिप्पणी भी, टीका टिप्पणी जो है वो कहीं ना कहीं रुकेगी। तो आप पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम थे हमारे साथ, हमने उनसे बातचीत की।